हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जो लोग काफी दिनों से यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज उनका इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वीडियो का ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है। और इसके आज ही से यानी कि 30 मई से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल है दोस्तों। मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं, ये यूपी ट्रिपल एससी की एकदम ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, आप भी अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पर खोल करके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं न्यूज के ऊपर। यहां पर आप खोलेंगे तो आगे आपको यहां पर दिख जाएगा कि यह दिया हुआ है समिति ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एंड समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है आज ही 30 मई 2018 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया। यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट बता दूं आपको क्या है, uptriplesc.government.in यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस यहां पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2018 और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 30 मई 2018 से, यानी कि आज से उसकी लास्ट डेट 25 जून 2018 है और इसका फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट है 29 जून 2018। तो दोस्तों आप भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहां जाकर आप इसका ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो और यहां से आप आज ही से इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने कल या परसों शायद आपको एक न्यूज़पेपर में से, हिंदुस्तान टाइम्स में से न्यूज़ दी थी, काफी लोगों ने बताया था कि फेक बता रहे, और काफी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा बातें भी कही थी कि बिल्कुल फेक न्यूज है, वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो दोस्तों मैंने आपको एकदम ऑफिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी थी। आज ही देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड द्वारा जारी हो गया है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाता है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्टार्टिंग डेट 30 मई जो कि आज तारीख है, आज से स्टार्ट हो चुकी है। इसको लास्ट डेट है 25 जून रजिस्ट्रेशन की और फाइनल सबमिशन की फॉर्म 29 जून है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो इसमें ग्राम विकास अधिकारी की इसमें पोस्ट दी गई है वो है 1527 और 362 पोस्ट, सॉरी ये इसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट है 1527 है और जो ग्राम विकास अधिकारी की इसमें पोस्ट है 362 पोस्ट है और 24 पोस्ट इसमें दोस्तों दी गई है। ये ग्राम पर्यवेक्षक की पोस्ट है, इसमें समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पोस्ट है 64, तो टोटल इसमें पोस्ट करीब 1900 के आसपास पोस्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर इसमें कुछ नहीं, ये अपना फॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि स्टार्ट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा, ये सब वही लिखा है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ ले। मैं आपको बस केवल जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूं। तो आप जैसे कि नीचे चलते हैं तो आपको यहां पर इसका आवेदन का जो शुल्क है वो सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 160 रखा गया है, ऑनलाइन ही आप आवेदन करना होगा और प्लस आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क आपको 185 रुपये भरने होंगे और ओबीसी के लिए 185 है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीएससी के लिए 95 रुपये इसमें रखे गए हैं और फिजिकल चैलेंजर यानी कि विकलांग जो है उनके लिए 25 रुपये केवल। तो दोस्तों चलते हैं इसकी, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई है, यहाँ पर पद और इसका वेतन और एज लिमिट दी गई है। तो यहाँ पर ग्राम विकास पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो इसमें एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल है, यानी कि और आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2018 तक, यानी कि आपने अपनी एज 18 साल पूरे कर लिए हो 1 जुलाई 2018 तक। तो इसमें ये पोस्ट दी गई है अलग अलग, जनरल कैटेगरी के लिए 881 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए इतनी पोस्ट है, ये आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, स्क्रीन पोज करके भी देख सकते हैं। ये सैलरी दी गई यानी कि आपकी मिनिमम सैलरी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 5200 है और इन फाइनल सैलरी 20,200 रुपये और आपका जो ग्रेड पे है 2000, यानी कि आपकी सैलरी ज्वाइनिंग पे 28,000 के आसपास आपको इन हैंड मिलेगी। ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी दोस्तों सेम बिल्कुल सैलरी है और एज लिमिट भी 18 से 40 साल है और जो समाज कल्याण पर्यवेक्षक है उसके लिए भी सेम एज है 18 से 40 और सेम इसकी आपके लिए वो रखी गई है सैलरी। तो चलते हैं दोस्तों आगे, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर दोस्तों कुछ नहीं दू, ये बिल्कुल पद की मतलब पद के बारे में इसकी थोड़ी सी जानकारी दी है, ये आप खुद ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन का यहां से आप देख सकते हैं। ये दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है या जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए कितनी पोस्ट दी गई है, ये इसमें वही दिया हुआ है।
आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको एज लिमिट बता दी। यहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें जो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समक्ष मान्यता प्राप्त हो, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए या उसके बराबर का कोई भी आपने कोर्स किया हो तो आपका आप इलिजिबल हो। और आपको इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ये दोस्तों इसमें दे दिया गया है जो NIELTS की तरफ से या फिर DOEC की तरफ से, आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। और बात करें ग्राम विकास अधिकारी के लिए भी सेम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपको 12th पास होना चाहिए और साथ ही आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और समाज कल्याण के लिए भी आपको 12th पास होना चाहिए और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा। तो इसमें दोस्तों रिजर्वेशन भी दिया गया है, मैंने आपको बता दिया। इसमें तीनों पोस्ट के लिए 18 से 40 साल इसमें आपको एज लिमिट चाहिए और 1 जुलाई 2018 तक इसमें एज लिमिट कैलकुलेट होगी। इसमें लिखा है 5 वर्ष इसमें आपको छूट दी जाएगी, जो स्पोर्ट कोटे से अगर आप रिजर्वेशन लेते हो स्पोर्ट कोटे का तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी और 3 साल की छूट दी जाएगी ओबीसी कैटेगरी को और एसटीएससी कैटेगरी को भी 3 साल की इसमें छूट दे दी जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी आगे, इसमें देखते हैं क्या आगे इसमें यही दुआ है कि लिखित परीक्षा यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक के पदों पर चयन सीधी भर्ती नियमावली 2015 और उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के सीधी भर्ती के संबंध में, यानी कि जो 2015 की भर्ती हुई थी सेम उसी तरीके से इसमें भर्ती की जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम देखते हैं कैसे है। इसमें आपको यहां पर 300 नंबर का जो आपका रिटन एग्जाम होगा, तीनों पदों के लिए 300 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। 50-50 नंबर के आपके 3 सेक्शन होंगे, एक तो होगा हिंदी, एक हो गया रीजनिंग और एक होगा इसमें सामान्य ज्ञान यानी कि GK। 50-50 नंबर के दोस्तों तीनों पोर्शन होंगे आपके इसमें, वो सॉरी 50-50 पर्सन होंगे और 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो आपके 150 नंबर का एक पेपर हो, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 300 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे को आपको अपना पेपर सोल्व करना है। तीनों पोस्ट के लिए दोस्तों सेम रहेगा प्रोसीजर रिटन एग्जाम का। यहां पर आपको सिलेबस दे दिया गया है, हिंदी परिज्ञान एवं लेख योग्य के लिए आपको सिलेबस दे दिया गया है, सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग के लिए आपको सिलेबस देख सकते हैं, सामान्य जानकारी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बोलकर नहीं बता रहा हूँ, वैसे भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं UPTPLC.government.in से। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये वेतन दिया हुआ यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कितना वेतन दिया जाएगा, तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो दोस्तों जो मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी इस नोटिफिकेशन से दे दी है, जो मेन इंफॉर्मेशन थी, बाकी जो बारीकी से आपको पढ़ना है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही पढ़ ले, क्योंकि दोस्तों जब मैं बताता हूँ काफी लोग फेक करने लगते हैं। तो दोस्तों काफी बड़ी खुशखबरी है, काफी लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि कब आएगी वीडियो की भर्ती, तो अब आ गई है दोस्तों। इसकी स्टार्टिंग डेट 30/5/2016 से ही, यानी कि आज से ही इसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसके लिए आप मेहनत से तैयारी करिए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसका पेपर एकदम जो रिटन एग्जाम होगा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, तो एवरेज पेपर आता है, काफी लोग इसे आसानी से इसे निकाल लेंगे। इस बार इसमें इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है दोस्तों, वो मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा, नोटिफिकेशन अभी अभी आया है कुछ ही 1 घंटा पहले, तो मैंने आपको दे दिया। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को 1 लाइक दोस्तों जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।